हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स नहीं है। तो जानिए ऐसे ऐप के बारे में जिससे हम अपने फ़ोन के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। टर्बो क्लीनर, जी हाँ, टर्बो क्लीनर एक ऐसा ऐप है जिससे हम अपनी इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यह ऐप हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं करता है, बल्कि यह ऐप हमारे फ़ोन में मौजूद ऐप्स की कैश फाइल्स, एम्प्टी फोल्डर्स, जंक फाइल्स को क्लीन कर स्पेस को बढ़ाता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हमें सर्च करना होगा टर्बो क्लीनर। टर्बो क्लीनर लिखकर सर्च करेंगे हम तो ये ऐप हमारे सामने आ जाएगा। ये ऐप हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन बता रहा है। मैं अपडेट कर लेता हूँ। देखिए ये ऐप ओनली 4.81 MB का है। देखिए इस ऐप का अपडेट वर्जन ओनली 3.05 MB का है। देखिए ये ऐप मैंने अपडेट कर चुका है। अब मैं ओपन करूँगा ऐप को। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, जंक फाइल्स और CPU। हम जंक फाइल्स पे जाएंगे। यहाँ जंक फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ये डाटा कैलकुलेट करने लगेगा। हमारे फ़ोन में जितनी भी जंक फाइल्स हैं सबको कैलकुलेट करके हमें बताएगा। क्लीन करने के पहले हम अपने फ़ोन में मौजूदा इंटरनल मेमोरी को देख लेते हैं। मैं जंक फाइल्स को क्लीन करने के पहले अपने फ़ोन में इंटरनल मेमोरी को दिखा देता हूँ। देखिए अभी मेरे फ़ोन में अवेलेबल मेमोरी 377.39 MB है। टोटल स्पेस 4.75 GB है। जंक फाइल्स को क्लीन करने के बाद ये देखिए मैंने जंक फाइल्स क्लीन कर दी है। अब मैं इंटरनल मेमोरी को देखता हूँ। ये देखिए ये इंक्रीज होकर 400 MB हो गई है। क्योंकि मैंने इस ऐप को बहुत बार रन करा है इसलिए ये स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, वरना 200 MB तकरीबन स्पेस बढ़ जाता है। तो आपको अगर ये ऐप अच्छा लगा हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ाना ऐसे नए नए ऐप्स के बारे में पता चलते रहे।